नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। कल उसमें हमने पढ़ा था स्वैल क्या होता है दोस्तों, उसमें बेदरिंग कैसे होती है, स्वैल कितने टाइप के होते हैं, कौन सी स्वैल अच्छी होती है, स्वैल इरोजन होता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में देखा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। फिर हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था जो है, जो एक्सक्रीशन होता है एनिमल में वो कैसे होता है, ब्लड के बारे में भी जाना था। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में। दोस्तों रिप्रोडक्शन का मतलब है कि नए नए इंडिविजुअल का बनना किससे, अपने पेरेंट्स से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। जो प्लांट की रूट होती है, लीव्स होती हैं और स्टेम होता है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या होते हैं, रूट स्टेम और लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के। और फ्लावर क्या होता है दोस्तों, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। क्यों इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया, क्योंकि फ्लावर क्या करता है, फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का कार्य करता है पौधों में, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का बोला गया। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट अपने ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों ये दो मेथड के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, एक इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर प्लांट जो है नए पौधे को जन्म देते हैं बिना सीड का उपयोग किए, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बिना सीड का उपयोग किए पौधे जो है नए पौधों को जन्म देते हैं तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों इसी का एक टाइप है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रपोगेशन किसे कहते हैं या इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं काइक, कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक, अलैंगिक जनन। तो दोस्तों वेजिटेटिव प्रपोगेशन या कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नए प्लांट किससे बनते हैं दोस्तों, ये याद रखना है। इसमें जो नए प्लांट बनते हैं रूट स्टेम लीव्स और बड से बनते हैं, किससे बनते हैं, रूट से बनते हैं, लीव से बनते हैं, स्टेम से और बड से बनते हैं। चूंकि दोस्तों अभी हमने बताया था ये सब क्या है, ये सब वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट के, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रपोगेशन कहते हैं। दूसरा, अब अभी हमने बताया दोस्तों रूट स्टेम और लीव्स के बारे में, पिछले क्लासेस में हमने आपको थोड़ा डिटेल में बताया था, मैंने बड के बारे में नहीं बताया था, तो इसमें हम बड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देते हैं कि बड क्या होता है। बड दोस्तों एक शॉर्ट स्टेम होता है, शॉर्ट स्टेम होता है जिसके अराउंड क्या होती हैं, इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स प्रेजेंट होती हैं, उसे कहते हैं बड। तो ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बट क्या होता है, ये एक शॉर्ट स्टेम होता है, इसके अराउंड क्या होती हैं, इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स जो है प्रेजेंट होती हैं, जिसे बड कहते हैं। दोस्तों जो वेजिटेटिव बड होता है, अभी हमने बताया था वेजिटेटिव प्रपोगेशन में बड से भी नए पौधे का जन्म होता है, तो वेजिटेटिव बड भी गिव राइज करती हैं न्यू प्लांट। तो दोस्तों अभी तक हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ा, उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। अब एक दोस्तों नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम इसे क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। ये जो ब्रायोफिल्म है दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे, ये लीव्स है ब्रायोफिल्म की, बड कहाँ प्रेजेंट है, ये देखिए, इससे न्यू प्लांट राइज हो रहे हैं, न्यू प्लांट इससे राइज हो रहे हैं। जो
जो ब्रायोफिल्म है दोस्तों, उसमें बड कहाँ प्रेजेंट होती है? मार्जिन ऑफ लीव्स पे बड प्रेजेंट होती है। जब ये लीव कहाँ, जब ये लीव गिरती है मॉइस्ट सॉयल में, तो जो इसके बड होते हैं ईच बड से वो क्या करते हैं, वो नए पौधों को जन्म देती है। तो आप देख रहे होंगे ये ब्रायोफिल्म की लीव्स है जिसपे बड है उसके मार्जिन पे, और इससे क्या है, इससे नए पौधे का जन्म हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे नए पौधे का जन्म हो रहा है। दोस्तों दूसरा नोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो अपने रूट से नए पौधे को जन्म देते हैं। तो जो रूट होती है स्वीट पोटैटो की और डहेलिया की, इन पौधों की रूट से नए पौधे का जन्म होता है। तीसरा नोट भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो कैक्टी का प्लांट है वो नया पौधा कैसे बनाती है? जब ये जो है कैक्टी का पौधा जो होता है नए प्लांट तब बनाती है जब उसके पार्ट क्या होते हैं, उसके पार्ट जो है मेन प्लांट बॉडी से डी अटैच हो जाते हैं, तो उसके बाद ये नए पौधे प्रोड्यूस करती है कैक्टी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा किसमें होता है? तो ये जरूर याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा किसमें होता है? रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है, आप ये देख रहे होंगे कि ईस्ट में बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन जो है, स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन जो है ईस्ट सेल से निकल के बाहर आती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बड, जिसे हम कहते हैं बड, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ से आती है? वो आती है ईस्ट सेल से, जिसे बड कहते हैं। बड क्या करता है? बड पहले फिर ग्रो करता है, ग्रो करता है, इसके बाद ये जो है ग्रो करता है। देखिए इस पे ये बड जो है, चेन ऑफ बड ऐसे ग्रो कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है, इससे ये इसके बाद डी अटैच हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इससे नए 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 ईस्ट ईस्ट सेल का जन्म होता है। अब ये जो नई ईस्ट सेल हैं दोस्तों, ये नई ईस्ट सेल ये क्या करती हैं, ये मैच्योर करती हैं और फिर नई ईस्ट की कोशिकाएं बनाती हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन ईस्ट में बडिंग के द्वारा होता है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है। दोस्तों फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? खंडन। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसमें होता है। तो ये एक एल्गी में होता है दोस्तों, इस एल्गी का नाम है स्पाइरोगाइरा। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि जब मान लो जल कहीं पे, जल और पोषक तत्व उपलब्ध हैं, पोषक तत्व उपलब्ध हैं, तो क्या होता है, पोषक तत्व जब उपलब्ध होते हैं तो एल्गी क्या करती है, तो एल्गी उपलब्ध होता है तो उस समय क्या होता है, तब तब एल्गी एल्गी क्या करती है, वो ग्रो करती है। एल्गी करती है ग्रो, ग्रो करती है। इसके बाद क्या होता है, जो मान लो ये स्पाइरोगाइरा की बॉडी है, इसके बाद ये क्या करता है, ये ब्रेक हो जाता है किसमें, दो या दो से, यहाँ पे दो दिखाया गया है, दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट में ये टूट जाता है। दो या दो से अधिक फ्रेगमेंट में टूट जाता है और हर एक पीस से क्या बनता है, नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। नए इंडिविजुअल का जन्म होता है हर एक पीस से। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है दोस्तों? स्पाइरोगाइरा एल्गी में होता है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड के द्वारा किस में रिप्रोडक्शन होता है? तो ये फंगस में होता है। दोस्तों जो ईच स्पोर होता है फंगस का, जो ईच स्पोर होता है फंगस का, वो किससे कवर्ड होता है? वो कवर्ड होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोड से। हार्ड प्रोटेक्टिव कोड से जो ईच स्पोर होता है फंगस का, वो हार्ड प्रोटेक्टिव कोड से कवर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो विदस्टैंड कर लेता है क्या, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी हो,
और लो ह्यूमिडिटी हो, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी हो तो उसमें भी ये रह लेता है। जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो है ईच स्पोर क्या करता है, ईच स्पोर जर्मिनेट करता है, ईच स्पोर जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, नया नया प्लांट बनाता है। ईच स्पोर जर्मिनेट करता है, नया प्लांट बनाता है। आप ये देख रहे होंगे फंगस में रिप्रोडक्शन, ये जो है स्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर भरे होते हैं। अभी हमने बताया ईच स्पोर अपने आप को हार्ड प्रोटेक्टिंग कवरिंग से कवर किए होता है, जिससे वो क्या करता है, विदस्टैंड कर लेता है अपने आप को हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है दोस्तों, हर एक स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और उससे नए प्लांट का जन्म होता है। ये देख रहे होंगे आप, ये स्पोर है फंगस का। दोस्तों जो फर्न होता है, फर्न होता है और मॉसेस होते हैं, फर्न जो है दोस्तों ये टेरिडोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइट्स है, टेरिडो। और मॉसेस क्या है दोस्तों, ये ब्रायोफाइट्स है। तो फर्न एंड मॉसेस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होता है। इसमें भी रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर के थ्रू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फर्न एंड मॉसेस में भी रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है। तो अभी तक दोस्तों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने देखा कि रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है। और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, स्पाइरोगाइरा एल्गी में होता है। स्पोर के द्वारा किसमें होता है, फंगस में होता है। और किसमें होता है, फर्न और मॉसेस में होता है। तो दोस्तों हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों हमने बताया था कि जो है नए पौधे किससे बनते हैं, इसमें नए पौधे सीड से बनते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें नए पौधे बिना सीड के उपयोग के बनते थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं लैंगिक जनन। तो दोस्तों हमने ये भी बताया था फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का कार्य करता है पौधों में, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला गया है। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये फ्लावर का क्या है, ये फ्लावर का ये पिस्टिल है। ये देखिए ये पिस्टिल है, इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये क्या है, ये इसका स्टेमन है, स्टेमन है जिसे फिलामेंट और एंथर दो चीजों से मिलकर बना होता है स्टेमन। तो आप देख रहे होंगे ये स्टेमन दिखाया गया है, ये इसका एंथर दिखाया गया, ये इसका फिलामेंट है, फिलामेंट है, फिलामेंट है। तो दोस्तों अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। दोस्तों वो फ्लावर होते हैं जिसमें या तो केवल पिस्टिल पाया जाए या स्टेमन पाया जाए। ये आप दो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं उसमें से या तो केवल स्टेमन पाया जाए या केवल क्या पाया जाए, पिस्टिल, तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। और जिस पौधे में दोस्तों क्या पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए, स्टेमन और पिस्टिल दोनों पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें पिस्टिल और स्टेमन दोनों एक ही फ्लावर में हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल फ्लावर। दोस्तों इसका एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसमें पाए जाते हैं, कॉर्न में होते हैं, हमारे पपाया में होते हैं, कुकुम्बर में होते हैं। और बाईसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल याद रखिएगा, हमारी मस्टर्ड हो गई, रोज हो गया और पेटूनिया में पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को पढ़ा। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। दोस्तों पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर होना पॉलन का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। सो अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था ट्रांसफर ऑफ द
पोलन फ्रॉम एंथर, एंथर से कहाँ, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, तो वही क्या कहलाता है, कहलाता है पॉलिनेशन। तो दोस्तों पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को दिखाया गया है। जब पोलन कहाँ लैंड करता है दोस्तों, जब पोलन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे जाता है या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट पे जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आप देख रहे होंगे इसका जो पोलन है वो कहाँ जा रहा है, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या इसी पे आ जाए, स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या इसे कहते हैं हिंदी में स्वपरागण, स्वपरागण। और क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, पर परागण, पर परागण। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें पोलन जो लैंड करता है स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड का मतलब क्या है, इसमें पोलन जो होता है वो आता है स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर पे, लेकिन वो किसकी हो, वो फ्लावर जो है उसी जाति का, उसी जाति के पौधे का हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोस्तों हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन ही कहलाता है। क्या, फर्टिलाइजेशन। दोस्तों ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है, इन दोनों का फ्यूजन, इन दोनों का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो इससे क्या बनेगा, इससे जाइगोट बनेगा। और जाइगोट किस में डेवलप्ड होगा, जाइगोट डेवलप्ड होता है किस में, एम्ब्रियो में। दोस्तों जो फ्रूट होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, फ्रूट डेवलप्ड होते हैं किससे, फ्रूट डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी। और सीड जो होते हैं वो सीड, सीड किससे, सीड डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम फ्रॉम ओव्यूल। तो दोस्तों इन दोनों को जरूर याद रखिएगा, फ्रूट डेवलप्ड होते हैं राइपेंड ओवरी से और सीड डेवलप्ड होते हैं ओव्यूल से। दोस्तों हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, अब हम जानेंगे सीड डिस्पर्जल क्यों होता है। दोस्तों सीड डिस्पर्जल इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वो कंपटीशन जो प्लांट और उसकी सीडलिंग के बीच होता है उसको रोकता है, क्योंकि प्लांट और उसकी सीडलिंग के बीच कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। यदि सभी प्लांट एक ही जगह पर रहेंगे तो इनके बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए सीड डिस्पर्जल क्या करता है, जो सीड होते हैं उनको बहुत दूर दूर फैला देता है, जिससे उनके बीच जो है सनलाइट, वाटर और मिनरल्स के लिए कंपटीशन कम हो जाता है दोस्तों। और ये किस में मदद करता है, ये ऑल्सो इनेबल करता है प्लांट को किस में, एक नए हैबिटेट में जाओ और उसमें अपना वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन करो, दोनों में मदद करता है सीड डिस्पर्जल। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर पूछा जाता है कि बिंग सीड के एग्जाम्पल बताओ, तो बिंग सीड किसका होता है, ड्रम स्टिक और मैपल का होता है। आप ये देख रहे होंगे ये ड्रम स्टिक है और ये मैपल है, इन दोनों के बिंग सीड होते हैं। तो बिंग सीड किसके होते हैं, ड्रम स्टिक और मैपल के। लाइट सीड ऑफ ग्रेब या हेरी सीड ऑफ ओक, ओक मतलब जो मदार का होता है, हेरी सीड ऑफ ओक और हेरी फ्रूट जो सनफ्लावर के होते हैं, ये हवा के द्वारा कहाँ जाते हैं, बहुत दूर स्थानों पर चले जाते हैं। तो अगर पूछे सीड डिस्पर्जल विंड के द्वारा किस में होता है, तो बिंग सीड में होता है, ड्रम बिंग सीड ऑफ ड्रम स्टिक और मैपल में होता है। लाइट सीड जो ग्रैब का होता है उसमें होता है, हेरी सीड जो मदार का होता है उसमें होता है, और हैरी फ्रूट जो सनफ्लावर के होते हैं वो हवा के द्वारा बहुत दूर स्थानों पर चले जाते हैं। अब हम दोस्तों इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीड डिस्पर्जल वाटर के द्वारा किस में होता है। दोस्तों जिसमें सीड डिस्पर्जल वाटर के द्वारा होता है वो सीड क्या करते हैं,
अपने अंदर डेवलप्ड कर लेते हैं। फ्लोटिंग एबिलिटी को इन्हें फॉर्म ऑफ किसमें स्पंजी और फाइब्रस आउटर कोट अपना बना लेते हैं, जिससे वो क्या है, वो फ्लोट कर सकें, पानी में तैर सके। तो सीड डिस्पर्सल वाटर के द्वारा किसमें होता है दोस्तों, ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, कोकोनट में होता है दोस्तों। ये दूसरा एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीड डिस्पर्सल एनिमल के द्वारा होता है वो किसमें होता है, जो एनिमल के द्वारा होता है वो जेंथियम, या आप देख रहे होंगे जेंथियम में होता है और यूरेना में होता है। सीड डिस्पर्सल किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा, क्योंकि इनके सीड बहुत स्पाइनी हुक के साथ होते हैं। आप ये देख रहे होंगे जेंथियम का सीड है, इसमें कितने स्पाइन हुक निकले हुए हैं, स्पाइनी हुक होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, बॉडी ऑफ एनिमल से चिपक जाते हैं और उनके साथ बहुत दूर स्थानों तक चले जाते हैं। दूसरा नोट दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड डिस्पर्सल कब होता है, जब जो उनके फल होते हैं अचानक बहुत तेजी से क्या होते हैं, जड़ के साथ फटते हैं। तो सीड डिस्पर्सल होता है किसमें, जब फ्रूट उनके जड़ के साथ फटते हैं अचानक, तो सीड डिस्पर्सल किसमें होता है इस मेथड के द्वारा, तो कैस्टर में होता है और बालसम में होता है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे हैरी फ्रूट है किसका, सनफ्लावर का है, और मदार का है, ये सनफ्लावर वाला है, सनफ्लावर का है, और ये मदार का है। इसमें अभी हमने बताया था कि ये सीड जो है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा बहुत दूर स्थानों पर चले जाते हैं। तो इनमें सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है, इसमें सीड का डिस्पर्सल विंड के द्वारा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन को पढ़ा, और कितने टाइप के होते हैं हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमने ये भी देखा कि बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो जरूर याद रखिएगा ईस्ट में होता है। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किस में होता है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन या खंडन के द्वारा वो स्पाइरोगायरा एल्गी में होता है। और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा किस में होता है दोस्तों, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा फंगस में होता है, और किस में होता है, फर्न में होता है और मॉसेस में होता है। इसके बाद दोस्तों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और दोस्तों हमने स्वपरागण परपरागण के बारे में पढ़ा, तो इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। दोस्तों हमने सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ा, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिंग सीड किसका होता है दोस्तों, बिंग सीड ड्रम स्टिक और मैपल का होता है। तो जो बिंग सीड होता है ड्रम स्टिक और मैपल का, और लाइट सीड जो ग्रैब का होता है, हेरी सीड जो ओक का होता है या मदार का होता है, और हेरी फ्रूट किसका होता है, सनफ्लावर का होता है। इसमें सीड डिस्पर्सल इन सब में कैसे होता है, इसमें सीड डिस्पर्सल विंड के द्वारा होता है, ये हवा के साथ दूर स्थानों तक चले जाते हैं। अगर दोस्तों ये पूछा जाए सीड डिस्पर्सल वाटर के द्वारा किसमें होता है, तो ये कोकोनट में होता है। दोस्तों अगर ये पूछा जाए सीड डिस्पर्सल एनिमल के द्वारा किसमें होता है, तो जेंथियम और यूरेना में होता है, क्योंकि इनके सीड बहुत स्पाइनी हुक के होते हैं। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि जब फल जो है अचानक झटके के साथ फटते हैं, तो इसमें किस फल में ऐसे सीड डिस्पर्सल होता है, तो ये कैस्टर और बालसम में होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।